बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज हमना बिनत शहजाद। आवर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डेटा रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर वाकफियत आमा जमात अव्वल का बाब नंबर 8 और बाब का उनवान है ज़राए आमद रफ्त। हम हासिलात तालुम देख चुके हैं, तो अब पढ़ते हैं रीडिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सफ़ा नंबर 40 पे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग जो सवारियां इस्तेमाल करते हैं इन्हें ज़राए आमद रफ्त कहते हैं। सवारियों की बहुत सी इकसाम हैं, कुछ आहिस्ता चलती हैं और कुछ तेज़। करीब के इलाकों में जाना हो तो साइकिल, मोटरसाइकिल, तांगे या रिक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूर के सफ़र के लिए लोग कारों, बसों, रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। शनाख्त करें, तेज़ रफ्तार सवारी के लिए टिक और सुस्त रफ्तार के लिए डब्बे में क्रॉस का निशान लगाएं। जी, हवाई जहाज़ टिक है क्योंकि ये तेज़ है, साइकिल सुस्त है तो क्रॉस, गाड़ी तेज़ है तो टिक और टांगा सुस्त है तो क्रॉस। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 41 पे, बस अड्डा यानी कि बस स्टॉप। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जहाँ से बसें मिलती हैं उसे बस अड्डा कहते हैं। लोग टिकट खरीदकर बसों में सवार होते हैं। रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियों के ठहरने की जगह को रेलवे स्टेशन कहते हैं। यहाँ कुल्ली सामान उठाते हैं। आप स्क्रीन पर बस अड्डा और रेलवे स्टेशन का मंजर देख सकते हैं। हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, जिस जगह से लोग हवाई जहाज़ पर सवार होते हैं उसे हवाई अड्डा कहते हैं। लोगों के सफरी कागजात की जांच पड़ताल के बाद इनको जहाज़ में सवार होने की इजाज़त होती है। बंदरगाह यानी कि हार्बर, समंदर के ज़रिए सफ़र करना हो तो लोग बंदरगाह इस्तेमाल करते हैं। बंदरगाह से बहरी जहाज़ चलते हैं और उन पर बहुत से लोग और सामान लादा जाता है। अब नीचे आप तस्वीर में हवाई अड्डा और बंदरगाह देख सकते हैं। हम इन सवारियों के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं, हम सामान भी भेज और वसूल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सफ़ा नंबर 42 पे देखते हैं। यहाँ पर उस्ताजा के लिए हिदायत हैं, बच्चों को बताएँ कि वो बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ में से किसी भी सवारी में सफ़र करें तो हर जगह सफाई और दूसरे मुसाफिरों का ख्याल रखने, अपना सर कभी भी खिड़की से बाहर मत निकालें। अब तरतीब देते हैं। अब तरतील में जेल में दिए गए ज़राए आमद रफ्त में से तेज़ ज़राए के सामने टिक का निशान लगाना है। जी, तो ये साइकिल है, इस पर टिक का निशान नहीं लगेगा। मोटरसाइकिल तेज़ है, इस पर टिक लगेगा। रेलगाड़ी पर लगेगा, हवाई जहाज़ पर लगेगा और गाड़ी पर लगेगा और बस पे लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।